नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार लक्ष्मी के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है मलिष्का और साथ में सोनल, इन दोनों ने इस तरीका का षड्यंत्र रचा है कि किसी भी तरीका से ऋषि फंसाई में आ जाएगा और ऋषि को हम ब्लैकमेल कर लेंगे। क्योंकि इधर ऋषि की मॉम नीलम ने तो पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया है कि किसी भी तरीका से मलिष्का से शादी करा के ही रहेंगे, लेकिन दोस्तों ऋषि किसी भी तरीका से एग्री नहीं है। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी की नज़र में ऋषि को गिराने के लिए एक नया षड्यंत्र और रचा है। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से ऋषि लगातार तड़प रहा है लक्ष्मी के लिए कि आखिरकार लक्ष्मी से कैसे माफ़ी मांगी जाए या कैसे एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि लक्ष्मी की बात की जाए तो लक्ष्मी इस समय अभी भी अफसोस में है कि आखिर ऋषि शादी कैसे कर सकता है मलिष्का के साथ में, क्योंकि मलिष्का के साथ में जो शादी करने का जो अगर बात कही जाए तो वो बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि नीलम ने इस चीज़ का घर में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करा दिया है, जिसमें सभी लोगों को ये बता दिया है कि जल्दी ही मलिष्का और ऋषि की इंगेजमेंट होने जा रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस इंगेजमेंट या इस शादी से ना ही ऋषि के फादर खुश, ना ही आयुष और दादी माँ तो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हालांकि ऋषि की बात की जाए तो ऋषि को ब्लैकमेल करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली इस समय मलिष्का, क्योंकि मलिष्का ने बोला है कि तुमने मेरा रेप किया है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस प्यार को रेप का नाम दे दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है मलिष्का। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इसके।